अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर योगिता खलको आप प्रत्येक महिलाओं को इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं डॉक्टर योगिता खलको अंबिकापुर धर्म प्रांत बेदागीश माता नवा परापल्ली से बोल रही हूँ और मुझे यह बहुत हर्ष हो रहा है कि मुझे यह अवसर दिया गया कि पूरे अंबिकापुर धर्म प्रांत से मैं इस विषय पर बोलूं कि हम चुनौतियों का चयन कैसे करें, या इस वर्ष का हमारा विषय है चुनौतियों का चयन, चूज टू चैलेंज। यह वर्ष हम प्रत्येक जन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। चुनौतियां हमारे घर में रही, परिवार में रही, समाज में रही, पूरे विश्व में रही, लेकिन आज हम प्रत्येक जन ने चुनौतियों का सामना किया और सामना करते हुए हम पुनः अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में वापस लौट रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज मैं इस विषय पर चुनौतियों के चयन पर यही कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं इस महिला दिवस के अवसर पर चुनौतियों का चयन स्वयं करें, स्वयं से निर्धारित करें, स्वयं से सोचें, स्वयं से विचार करें और एक निर्णय पर पहुँचे कि मैं अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करूँगी। चुनौतियों का सामना करने में बहुत डर लगेगा, भय लगेगा, पर हमें ईश्वर पर विश्वास करना है क्योंकि ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है और एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। इसलिए हम प्रत्येक जन हमारे हृदय में बहुत सारे डर, भय, कमजोरियां हैं, पर हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी यह भी हमें नहीं पता, पर अपने अंदर के उस निडरता को, साहस को, ईश्वर पर विश्वास को हमें अटल रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इस महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी माताओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में चुनौतियाँ हमेशा आएंगी। हम अपने जीवन की बहुत बड़ी चुनौतियों के बारे में ना सोचें, पर हम छोटी छोटी चुनौतियों के बारे में सोचें जो हमें अपने परिवार में मिलती हैं। उन चुनौतियों को हम खुशी और आनंद से ग्रहण करें, स्वीकार करें, तभी वह परिवर्तन आगे ले आ पाएगी। और परिवर्तन तभी संभव है जब हम चुनौती के लिए चुनौती को सहर्ष स्वीकार करें और परिवर्तन को अपने जीवन में आमंत्रण करें। असल में चुनौतियां हमारे लिए एक अवसर प्रदान करती है कि हम उस अवसर का किस तरह से लाभ ले पाते हैं, या तो वह हमारे लिए एक सुअवसर और एक मौका बन जाती है और उसी चुनौती में हम उसका सामना करते हुए अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इस महिला दिवस में मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में चुनौतियों को लेने से ना डरें, उसका सामना करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। स्वयं पर विश्वास करें, उस ईश्वर पर विश्वास करें और आगे बढ़ें, निडर बने, साहसी बने। थैंक यू।